आदाब, मैं डॉक्टर सैयद उस्मान आज के इस मनू नॉलेज सीरीज़ में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज हम पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। ब्रेन स्ट्रोक एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जो कभी जानलेवा भी हो सकता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह ट्रीटमेंट में जल्द करें, इसे किस तरह से बचा जा सकता है और क्या करने से हमें राहत मिलती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक दो वजह से होते हैं। एक, ब्रेन के अंदर जब खून की रग फट जाती है तो उसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। दूसरा, जब ब्रेन के अंदर खून की रग में क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से खून का दौरान कम हो जाता है तो उसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। 80% लोगों में पैरालिसिस इस्कीमिक स्ट्रोक यानी ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से होता है और सिर्फ 15 से 20% लोगों में ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है। आज हम इस्कीमिक स्ट्रोक यानी ब्रेन में क्लॉट आने के बारे में बात करेंगे। हमको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेन स्ट्रोक को किस तरह से पहचाना जा सकता है। जब अचानक एक तरफ का हाथ या पैर कमज़ोर हो जाता है या अचानक मुंह टेढ़ा हो जाता है और अचानक बात करने में या बात समझने में दिक्कत होती है और अचानक दिखाई देने में प्रॉब्लम आता है या चक्कर होती है, चलने में या बैलेंस करने में प्रॉब्लम आता है, तो उस समय हमें ब्रेन स्ट्रोक सस्पेक्ट करनी चाहिए। स्ट्रोक आने के क्या वजूहात होते हैं? कुछ वजूहात हम कंट्रोल कर सकते हैं जिसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जैसा कि डायबिटीज़, बीपी, मोटापन, सिगरेट पीना या शराब पीना, एक्सरसाइज नहीं करना, खून में कोलेस्ट्रॉल का या होमोसिस्टिन का बढ़ जाना। कुछ ब्रेन स्ट्रोक के वजूहात जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जिसे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जैसा कि ओल्ड एज, मेल जेंडर और रिस्क फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रोक को पहचानने के लिए MRI ब्रेन करनी चाहिए और कुछ ब्लड टेस्ट करनी चाहिए जैसा कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल और सीरम होमोसिस्टिन। ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में टाइम की बहुत अहमियत होती है। क्योंकि हर मिनट जब ट्रीटमेंट में ताखिर होती है तो क्या आप जानते हैं कि 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स मरने लगते हैं जिसे ट्रीटमेंट के ज़रिए बचाया जा सकता है। अगर पेशेंट 3 से 4.5 घंटे के भीतर हॉस्पिटल आता है तो एक स्पेशल मेडिसिन जो क्लॉट डिजॉल्व करने के लिए दी जाती है जिसे IV थ्रोमोलिसिस कहते हैं, जिसे देने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है और अचानक पेशेंट बात करने लगते हैं और चलने लगते हैं। इसको जितनी जल्दी दे सके उतना फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर पेशेंट 4.5 घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंचता है और ब्रेन के खून की जो रग होती है उसमें क्लॉट रहता है तो उसे पेनुमरा और मर्सी डिवाइस के ज़रिए निकाला जा सकता है और उसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टेमी कहते हैं, जो पहले 24 घंटे में कर सकते हैं। और एक बार स्ट्रोक आ जाता है तो हमें कुछ मेडिसिन जो ब्लड थिनर्स कहते हैं, जैसा कि एकोस्पिरिन और क्लोपिडेग्रल है और स्टैटिन्स होते हैं, तो इसे रेगुलर खानी चाहिए। स्ट्रोक से बचने के लिए हमें BP और शुगर कंट्रोल में रखनी चाहिए, बॉडी का वज़न कम करनी चाहिए, ज़्यादा तेल की चीज़ें ना खाएं, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, सिगरेट और शराब से दूर रहें, रेगुलर एक्सरसाइज और स्पीच थेरेपी करना चाहिए। तो ये थे पैरालिसिस के बारे में एक अहम जानकारी और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नई टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।